हे गाइस, वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और सितंबर के महीने में MIUI 11 लॉन्च हुआ और लगभग अक्टूबर के महीने से यहाँ पे MIUI 11 का जो अपडेट्स वगैरह है वो हमें यहाँ पे मिलना स्टार्ट हुआ और सिर्फ 6 से 7 महीना हुआ है। इसी के बीच यहाँ पे MIUI 12 चाइना के अंदर 27 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है और आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा ऐसे टॉप 10 फीचर्स के बारे में जो MIUI 12 में होगा और इनमें से कुछ फीचर्स ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और कुछ फीचर्स स्ट्रांग लीक्स के मुताबिक है। तो सबसे पहला फीचर होगा डार्क मोड 2.0। अभी आप सोचेंगे कि हम तो डार्क मोड यूज़ करते हैं और इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस होगा वो यही होगा कि बहुत सारे ऐसे आज की डेट में ऐप्स वगैरह है जो कि डार्क मोड एनेबल करने के बाद भी सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो थर्ड पार्टी ऐप्स है, चाहे वो फ़ोन में जो बाई डिफ़ॉल्ट ऐप्स वगैरह है वो ऐप्स है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आज की डेट में फेसबुक की, तो फेसबुक में डार्क मोड का कोई भी ऑफिशियली सपोर्ट वगैरह नहीं है। तो अगर आप इस डार्क मोड 2.0 को ऑन करते हैं और अगर आप फेसबुक ओपन करते हैं तो ये फोर्स करेगा ऑटोमेटिकली फेसबुक को और फेसबुक भी आपका डार्क मोड में आ जाएगा। दूसरा फीचर यही है इस डार्क मोड 2.0 का कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स वगैरह हैं जिनमें डार्क मोड ऑटोमेटिकली आ गया है, जैसे कि ट्विटर हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गया। तो ये जो भी ऐप्स वगैरह है इनमें आप लोगों को अलग से जाके डार्क मोड को ऑन करना पड़ता है। तो सिस्टम वाइड अगर आप डार्क मोड को एनेबल कर देंगे तो ये जो भी ऐप्स वगैरह है जो ऑलरेडी डार्क मोड फीचर में आ चुका है ये सब ऐप आपका ऑटोमेटिकली डार्क मोड में भी आ जाएगा। तो आप लोगों को एक एक एप्लीकेशन अलग अलग जाके डार्क मोड को एनेबल नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी इस डार्क मोड 2.0 के अंदर आता है। तीसरा हमें डार्क मोड 2.0 का जो फीचर है वो यही है कि इसका जो फॉन्ट्स वगैरह है, इसका जो डार्क मोड 2.0 अगर आप ऑन करेंगे तो फ़ोन का जो फॉन्ट्स वगैरह होगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, उसका जो विड्थ है और उसका जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, जिसकी वजह से जो रीडिंग का एक्सपीरियंस है वो हमें और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो ये कुछ फीचर्स है यहाँ पे इस डार्क मोड 2.0 के अंदर और हमें देखने को ये मिलेगा डार्क मोड 2.0 MIUI 12 के अंदर। नेक्स्ट फीचर या फिर अपडेट्स है फॉन्ट्स के रिलेटेड। तो फॉन्ट्स में भी काफ़ी सारा हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि फॉन्ट्स का जो टेक्स्ट का जो बोल्डनेस है उसे आप कम या फिर ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं, उसका जो कॉन्ट्रास्ट है उसे भी आप कम या फिर ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं। तो फॉन्ट्स में काफ़ी सारा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट और चेंजेस हमें देखने को मिलेगा MIUI 12 में। नेक्स्ट अपडेट होगा कैमरा की UI के अंदर और MIUI अगर मैं 8 से बात करूँ 8, 9, 10, 11 तो कैमरा की UI में उतना ज़्यादा हमें चेंजेस वगैरह नहीं देखने को मिला है, लेकिन इस MIUI 12 में हमें कैमरा का जो पूरा का पूरा इंटरफेस है उसमें हमें चेंजेस वगैरह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चेंजेस होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आपके पास Xiaomi का कोई भी AMOLED वाला फ़ोन वगैरह है तभी आपको ये फीचर मिलेगा। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सबसे जो पहला चेंजेस होगा कि हमें जो एनिमेटेड आइकन्स वगैरह देखने को मिल रहा है वो कुछ यहाँ पे लिमिटेड है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड आइकन्स का जो प्रीसेट है वो हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप कोई भी प्ले गूगल में जाके कोई भी एनिमेटेड जिफ आप डाउनलोड करके उसे आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर सेट कर सकते हैं। और ये जो अपडेट है कुछ दिन पहले ऑलरेडी ये आ चुका है जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बना चुका हूँ, तो अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है तो आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ये आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिलेगा और 1000 से भी ज़्यादा प्रीसेट्स अवेलेबल होगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको मन करे, जो भी आपका पसंद है उसे आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है नोटिफिकेशंस के रिलेटेड। तो नोटिफिकेशंस का जो भी आइकन्स है, जो भी फॉन्ट्स वगैरह है वो पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज होने वाला है। साथ ही साथ जो रिसेंट मेनू है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से चेंज वगैरह होगा। और अगर MIUI 12 की एक फ़ोटो की बात करूँ जो कि ऑलरेडी लीक हो चुका है, तो यहाँ पे इस फोटो को देख के ऐसा ही लग रहा है
ये जो नोटिफिकेशन ये जो सॉरी जो रिसेंट मेनू है ये हमें लगभग सिमिलर हमें MIUI 9 में देखने को मिलता था, तो उसे ही यहाँ पे फिर से लाया जा रहा है इस MIUI 12 के अंदर। हाँ एकदम सिमिलर तो नहीं है लेकिन बहुत हद तक वो ही सिमिलर है। नेक्स्ट चेंजेस या फिर फीचर होने वाला है गैलरी के अंदर, तो गैलरी पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज होने वाला है, काफ़ी सारा नए नए फीचर्स वगैरह आने वाला है। हाँ अगर आप UI की बात करें तो UI बिल्कुल वही रहेगा लेकिन उसमें काफ़ी सारा नए नए फीचर्स वगैरह ऐड होगा। तो गैलरी के अंदर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आप लोग को आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके आप एक बार देख लीजिए। तो गैलरी के अंदर सबसे पहले जो इसका रिप्लेसमेंट का जो प्रीसेट वगैरह है वो हमें आज की रेट में कुछ लिमिटेड ही देखने को मिल रहा है, उसे यहाँ पे और बढ़ाया जाएगा और भी प्रीसेट वगैरह अवेलेबल होगा। जो पॉप कलर है यानी कि अगर सब्जेक्ट के अलावा जो भी बैकग्राउंड में कलर वगैरह है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, तो इस तरीके का जो फीचर्स वगैरह है वो यहाँ पे आने वाला है। साथ ही साथ जो ट्रैश बिन या फिर रिसाइकल बिन है गैलरी के अंदर, यानी कि गलती से अगर आपका कोई भी फोटोज वीडियोज डिलीट हो जाता है तो उसे आप रिकवर कर सकते हैं, तो ये फीचर भी इस MIUI 12 की गैलरी के ऐप के अंदर आएगा। साथ ही साथ जो वीडियो एडिटर होगा वो भी यहाँ पे अपडेट होगा, यानी कि आज आप लोगों को जो व्लॉग मोड मिलता है बहुत सारे फोन्स के अपडेट में ये आ चुका है, तो व्लॉग मोड में आप 4 अलग अलग वीडियो को एक साथ सेट कर सकते हैं जिसमें ट्रांजिशन इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। तो इसी तरह से अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी कोई वीडियो शूट कर चुके हैं 4 से 5 क्लिप वगैरह है, तो सिंपली उन सारे क्लिप्स को आप टिक करके वीडियो एडिट कर सकते हैं वो, और उसमें ऑटोमेटिकली जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई वगैरह हो जाएगा। साथ ही साथ आप वीडियो एडिट के अंदर जो एस्पेक्ट रेशियो है उसे भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट होगा यहाँ पे आइकन्स के रिलेटेड, तो आइकन्स में काफ़ी सारा चेंजेस होने वाला है। साथ ही साथ जो एनिमेटेड आइकन्स वगैरह है वो भी हमें और अच्छे से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट होगा यहाँ पे फोकस मोड के अंदर, और फोकस मोड हमें आज के डेट में देखने को मिल रहा है, और हम हमारे जो ऐप्स वगैरह है उसे हम सिलेक्ट करके फोकस मोड को अगर हम एनेबल करते हैं तो उस ऐप को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हमारे हिसाब से अगर फोकस मोड को ऑफ कर देते हैं तो फिर से हम उन सारे ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि डिस्टर्ब वगैरह ना हो, तो सिंपली आप अपने फ़ोन को 1 घंटा 10 मिनट तो इस तरह से आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही आप अपने पूरा का पूरा फ़ोन को फोकस मोड में डाल देंगे, तो मान लीजिए अगर आप 1 घंटे के लिए अपने फ़ोन को फोकस मोड में डाल दिया तो फिर 1 घंटे तक आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप इसका लॉक स्क्रीन देख सकते हैं जिसमें आपका जो घड़ी वगैरह होगा वो होगा, साथ ही साथ सिर्फ आप कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा फ़ोन आपका अनलॉक ही नहीं होगा। तो ये काफ़ी एक तरफ से एक अच्छा फीचर हो सकता है। नेक्स्ट चेंजेस या फिर फीचर्स होगा सेटिंग्स के अंदर, तो पूरा का पूरा सेटिंग्स जो है यहाँ पे रीडिज़ाइन किया जा रहा है, और सेटिंग्स में जो नया आइकन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, और सेटिंग्स का जो ऑप्शंस वगैरह है वो भी आप लोगों को काफ़ी सारा उसमें भी आप लोगों को काफ़ी सारा चेंजेस देखने को मिलेगा। और लास्ट फीचर होगा USB बैकअप के रिलेटेड, तो मान लीजिए अगर आपको अपने फ़ोन को फॉर्मेट वगैरह करना हो, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ गया है, और अगर आपके फ़ोन में कोई भी SD कार्ड लगाने का जगह नहीं है, तो अगर आप बैकअप करते हैं तो बैकअप का जो फाइल है वो आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में रहता है, उसे फिर आप लोगों को अपने कंप्यूटर में मूव करना पड़ता है, इसके बाद फॉर्मेट करना होगा, उसके बाद फिर कंप्यूटर से उस फाइल को फिर से आप लोगों को फ़ोन में लेना होगा, फिर आप लोगों को रिस्टोर करना होगा। तो इसमें जो बहुत सारा झमेला वगैरह है, लेकिन ये जो नया फीचर है USB बैकअप, इसका फ़ायदा क्या है कि सिंपली आप पेन ड्राइव लगा दीजिए और या फिर आप डाटा केबल के ज़रिए अपने लैपटॉप में आप कनेक्ट कर दीजिए, और अगर आप बैकअप करते हैं तो डायरेक्टली आपके लैपटॉप में या फिर आपकी USB का जो पेन ड्राइव है उसमें आपका जो फाइल है पूरा ऑलरेडी डायरेक्टली बैकअप हो जाएगा। उसी तरह से रिस्टोर करने के लिए भी सिंपली आप लोगों को कनेक्ट करना है और सिंपली 1 क्लिक आप इस डेटा को फिर से रिस्टोर वगैरह कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ फीचर्स आने वाला है इस MIUI 12 के अंदर, लेकिन बैटरी रिलेटेड फ़िलहाल कोई भी अपडेट्स वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन यूज़र्स के लिए जो बैटरी में जो अल्ट्रा पावर सेविंग मोड
MIUI 11 के अंदर जो आने वाला था जो नहीं आया वो यहाँ पे MIUI 12 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।